ये शुरू करते हैं फिर 3B। तो कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 3B एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन हमारा क्या है? संख्याओं के घनमूल निकालने हैं। तो हमें क्या दिया गया है? 27 और 44। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो चलिए करते हैं। 27 और 24 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। ये 27, ये 44, 24 नहीं है। 2 से करते हैं। दो से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 14, 2 × 2 = 4। अब हम कितनी बार से करेंगे? 2 बार से करेंगे। फिर से 2 × 6 = 12, 1 × 2 = 16, 1 × 2 = 12। फिर 3 × 2 से कर लेते हैं। 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। अब हम किसे करें? 7 से करेंगे। ठीक है, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 28, 7 × 5 = 28, 7 × 9 = 63। ठीक है, हम किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 × 7 = 49, फिर हम किससे करेंगे? 7 से करेंगे। इस तरीके से हमारा जो घनमूल आएगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 जोड़े बन गए हैं, यहाँ पे भी त्रिक बन गया है। तो हम यहाँ पे लासा में क्या लिखेंगे? लासा में जब हम लिखेंगे, या हम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लासा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 27 का वर्ग घनमूल। 27 × 44 का घनमूल हमारा क्या होगा? वो निकलेगा 2 × घनमूल, यहाँ पे घनमूल का निशान भी लगाना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे तो ये 3 का हमारा त्रिक बन जाएगा, ये हमारा 3 का त्रिक बन जाएगा। अब घनमूल त्रिक में से एक ले लेंगे, ये हुआ और ये हमने ले लिया, तो हमारा घनमूल क्या हुआ? ये हमारा 27 आ गया। तो 27 का घनमूल क्या होगा? कितना होगा? 27 का घनमूल 7 × 14 होता है। मैं क्या कर रही हूँ, 7 × 14 होता है ना, तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 14 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, ये हमारा पहला था। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 74 × 88। क्या है? 74 × 88 क्या है? 74 × 88 ये है। अब हम इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका लासा निकालते हैं। 74 × 7 को थोड़ा बड़ा कर लें, 88। ठीक है, अब इसका लासा निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे, ये हमारा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और 0 × 2 = 8, 2 × 2 = 8। ठीक है, अब हम किससे करेंगे? 2 से फिर से करेंगे। 2 × 1 = 2, 1 × 5 = 2, 2 × 8 = 16, 1 × 5 = 10। फिर अब हमारा किससे जाएगा ये? 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। फिर हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4 और 1 × 5 = 2, 6 × 12, 2 × 1 = 2। अब हम किससे करेंगे? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 0 लग जाएगा बीच में क्योंकि 2 अंक हमने लिए हैं, और 3 × 7 = 21। अब हम किससे करेंगे? तो अब हम फिर 3 से करते हैं। 3 × 3 = 3, 0, 3 × 2 = 6 और 6 हुआ। ठीक है, 7 × 8 = 3 × 9 = 27। अब हम किससे करेंगे? फिर हम 3 से कर देंगे। ठीक है, 3 से हमने किया, 3 × 3 = 9, 1 × 5 = 2, 3 × 2 = 12, 3 × 3 = 9। अब हम किससे करेंगे? अब हम 7 से करेंगे। 7 × 7 = 28, 7 × 9 = 63। अब हम किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 × 7 = 49। फिर हम किससे करेंगे? 7 × 1 = 7। इस तरीके से ये हमारा जो है वो आ गया है। तो हमारा इसका ये हमारा क्या लिखा जाएगा?
इसका अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा, इसके अंडर रूट में नहीं, घनमूल में, ठीक है, क्यूब रूट जिसे बोला जाता है। तो क्यूब रूट में क्या लिखेंगे हम, क्यूब रूट में हम लिखेंगे यहाँ पे कितने जोड़े बने, एक दो तीन जोड़े बने, सबके जोड़े बन गए हैं, दो गुणे दो गुणे दो गुणा तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणा सात गुणा सात गुणा सात, ठीक है। इस तरीके से इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। तो मतलब अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए हमें क्या करना लेगा, एक 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 हमें सब में से लेना पड़ेगा, दो गुणे तीन गुणे सात, तो दो सत्ते चौदह या तीन गुणे छः, छः सत्ते बयालीस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बयालीस जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो लग जाएगा, क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बयालीस जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो करते हैं, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसके लिए हमको ये क्वेश्चन जो है वो बिगाड़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है चौथे का तीसरा, वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चौथे का तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना सबको सही से, आपको ये चार नहीं दिख रहा है, चार का तीसरा, ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 4 0 88 और 000, ठीक है। क्या है हमारा 7 4 0 88 000। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है, तो हमने फिर से वही लासा ही निकालेंगे, 7 4 0 88 और 000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किससे काटेंगे हम इसको काटेंगे, पाँच से काटें, पाँच एकम पाँच बचे दो, पाँच चौकू बीस बचे चार, पाँच अट्ठे चालीस कुछ नहीं बचा, पाँच एकम पाँच तीन बचा, पाँच सत्ते पैंतीस तीन बचा, पाँच छक्का तीस, पाँच छक्का तीस और जीरो जीरो। फिर हम इसको पाँच से काटते हैं, ठीक है, पाँच से फिर से काटेंगे, पाँच दूनी दस चार बचा, पाँच नेम पैंतालीस तीन बचा, पाँच छक्का तीस एक बचा, पाँच तिया पंद्रह दो बचा, पचम पच्चीस एक बचा, पाँच दूनी दस फिर जीरो उतार दिया। फिर हम पाँच से करते हैं, ठीक है, फिर हम इसको पाँच से करेंगे, ठीक है, अब हम फिर से पाँच से कर रहे हैं, तो पाँच पचम पच्चीस चार बचा, पाँच नेम पैंतालीस एक बचा, पाँच दूनी दस तीन बचा, पाँच सत्ते पैंतीस कुछ नहीं बचा, पाँच चक्कू बीस, ठीक है। अब हम किससे करते हैं, दो से कर देंगे, किससे करेंगे, दो से कर देते हैं, दो से जब हम करेंगे तो दो दूनी चार एक बचा, दूनीम अठारह कितना बचा एक बचा, और दो छंग बारह और दो तिया छः, दो पंचे दस, दो दूनी चार, ठीक है। अब हम फिर दो से करते हैं, दो एकम दो, दो चक्कू आठ एक बचा, दो अठे सोलह, दो एकम दो एक बचा, दो सत्ते चौदह एक बचा, दो छंग बारह। फिर हम दो से करते हैं, दो सत्ते चौदह, दो सत्ते चौदह और दो चक्कू आठ ये जीरो उतारा, दो अठे सोलह, दो अठे सोलह, ठीक है। अब हम किससे करते हैं, अब हम इसको तीन से करके देखते हैं, तीन से करके देखें, तीन एक दूनी छः एक बचा, तीन चक्कू बारह दो बचा, तीन छाँख अठारह दो बचा, तीन नेम सत्ताईस और एक बचा, तीन छाँख अठारह, ठीक है। अब हम फिर से तीन से करके देखते हैं, तीन अट्ठे चौबीस, आपको दिख रहा है ना सब, तीन अट्ठे चौबीस और तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः। फिर हम तीन से करते हैं, तीन दूनी छः दो बचा, तीन सत्ते इक्कीस एक बचा, तीन चक्कू बारह एक बचा, तीन चक्कू बारह, ठीक है, इस यहाँ तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे करेंगे, तो हमारा क्या है, दो
सात चार चार, दो सात चार चार है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम किससे करेंगे, अब हम किससे कर लें, सात से कर लें, सात से करेंगे तो सात दूनी चौदह, सातियाँ इक्कीस करेंगे, ठीक है। 21 हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 22 23 24 25 26 27 छः हुआ, ठीक है। छः हुआ तो मतलब सात ने 63, एक बचा सात दूनी चौदह, ठीक है। हम इसको फिर से सात से कर लेंगे, सात सात पचे 35 और सात छंग 42, ठीक है। अब हम फिर करेंगे सात अट्ठे 56, फिर हम इसको दो से करेंगे, दो चक्कू 8, फिर दो से किया, ठीक है। फिर हमारा दो आया, फिर हमने दो से किया, फिर हमारा दो आया, मतलब यहाँ पे दो का त्रिक बन रहा, यहाँ पे सात का त्रिक बन रहा, यहाँ पे तीन का त्रिक बन रहा, यहाँ पे दो का त्रिक बन रहा, यहाँ पे पाँच का त्रिक बन रहा। तो इसमें से पाँच ले लिया, इसमें से दो ले लिया, इसमें से तीन ले लिया, इसमें से सात ले लिया, इसमें से दो ले लिया। तो हमारा कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, हम यहाँ पे लिखते रहें, क्यूब रूट में 7 0 7 4 0 8 8 0 0 0। तो हमने जब इसका निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 × 2 × 3 × 7 × 2। तो हम जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10 10 10 × 7 = 70 70 × 6 = 42, ठीक है। 420 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 420 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वो तो और भी बड़ा है, मुझे यहाँ से बिगाड़ना होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वो है 1 3 4 2 1 7 7 2 8, ठीक है। क्या है हमारा, आइए देखते हैं, फिर से मैच कर लेते हैं, 1 3 4 2 1 7 7 2 8, ये है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा निकालना है। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ही निकालना है, ठीक है, मतलब घनमूल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम किससे करेंगे, दो से करते हैं, 2 × 12 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, और फिर हमारा जाएगा नहीं, जीरो लगाया, फिर 2 × 8 = 16, फिर 1 × 2 = 16 1 × 2 = 12 2 × 8, इस तरीके से ये हमारा हो गया। फिर हम दो से करते हैं, 2 × 6 2 × 6 = 1 2 × 5 = 10 2 × 10 = 2 2 × 6 2 × 2 = 4, इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब फिर हम दो से करते हैं, ठीक है, 2 × 2 2 × 12 और 1 × 2 = 14 1 × 2 = 14 1 × 2 = 14 1 × 2 = 14 2 × 4 2 × 2 = 12, अब हमारा ये आ गया। अब हम फिर दो से करते हैं, 2 × 8 = 16, ठीक है, और 2 × 6 = 1 2 × 8 = 16 1 × 2 × 16 = 2 × 16 1 × 2 × 12, ठीक है, और फिर जीरो उतारा क्योंकि एक तो जाएगा नहीं, तो 2 × 8 = 16। अब हम कितनी बार में करेंगे, अब हम फिर दो बार में करेंगे, ठीक है, 2 × 8 क्या जाएगा हमारा, 2 × 8 2 × 2 = 1 2 × 18 कुछ नहीं बचा, 2 × 8 कुछ नहीं बचा, 2 × 6 कुछ नहीं बचा, 2 × 8, इस तरीके से ये हो गया।
अब हम फिर दो से करते हैं, दो दूनी चार, कुछ नहीं बचा, जीरो उतारा, दो नेम 18, एक बचा, दो सत्ते 14, ठीक है, और दो सत्ते 14, फिर हमारा कुछ नहीं बचा, दो एक कम दो, दो पंचे 10, दो दूनी 4, ठीक है। अब हम फिर करते हैं, दो से दो एक कम दो, जीरो, दो चक्कू 8, एक बचा, दो अट्ठे 16, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो सत्ते 14, एक बचा, दो छंग 12, ठीक है। अब हम चल करते हैं फिर से दो से, दो से फिर से करते हैं तो हमारा क्या आएगा, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो चक्कू 8, दो दूनी 4, एक बचा, दो अट्ठे 16, एक बचा, दो अट्ठे 16, फिर हम दो से करते हैं, ठीक है, दो दूनी 4, एक बचा, दो छंग 12, एक कुछ नहीं बचा, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो चक्कू 8, दो चक्कू 8, ठीक है। अब हम फिर से दो से करते हैं, आपको दिख रहा है ना, एक और स्टेप कर लेते हैं बस, दो एकम 2, दो तिया 6, दो एकम 2, जीरो उतारा, दो सत्ते 14 और दो दूनी 4, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब नीचे वाला तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसी चीज़ को या इसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बिगाड़ देते हैं, हम यहाँ पे अपना अच्छा अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, इसी के आगे कर रहे हैं, इसी के आगे से है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ऊपर से करते हैं, क्या फ़ायदा, हमारे पास बचा है 13, 10 और 72, ठीक है। अब दो से करते हैं, दो छंग 12, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो पंचे 10, दो तिया 6, एक बचा, दो छंग 12, ठीक है। अब दो से फिर करते हैं, दो से फिर करेंगे, दो तिया 6, दो दूनी 4, एक बचा, ठीक है, दो सत्ते 14, एक बचा, दो छंग 12, एक बचा, दो अट्ठे 16, फिर हम दो से करते हैं, फिर दो से करेंगे तो दो एक कम दो, एक बचा, दो छंग 12, कुछ नहीं बचा, दो तिया 6, एक बचा, दो अट्ठे 16 और दो चक्कू 8, फिर हम दो से करेंगे, फिर दो से किया, दो अट्ठे 16, दो एक कम दो, एक बचा, दो अट्ठे 18 और दो दूनी 4, ठीक है। क्या आया हमारा, फिर आगे करते हैं, फिर हम दो से करते हैं इसको, फिर हम इसको दो से जब करेंगे तो हम फिर हमारा क्या आएगा, दो चक्कू 8, जीरो उतारा, दो नेम 18, एक बचा, दो छंग 12, ठीक है। फिर हम दो से करते हैं इसको, दो दूनी 4, जीरो, दो चक्कू 8, एक बचा, दो अठे 16, ठीक है। फिर हम दो से करते हैं, दो एक कम दो, जीरो और दो दूनी 4, दो चक्कू 8, फिर हम किससे करेंगे, दो से करेंगे, दो एक कम दो पंचे 10, दो एक कम दो, दो दूनी 4, ठीक है, फिर दो से करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, दो दूनी 4, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो छंग 12, ठीक है। फिर हम दो से करेंगे, दो दून एक कम दो, दो दूनी 4, एक बचा, दो अट्ठे 16, फिर हम इसको दो से करेंगे, ठीक है, दो छंग 12, दो चक्कू 8, ठीक है। फिर हम दो से करेंगे, आपको दिख रहा है ना, दो तिया 6, दो चक्कू, दो दूनी 4, फिर हम दो से करेंगे इसको, दो एकम दो, दो छंग 12, फिर हम इसको दो से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो अट्ठे 16, फिर हम इसको दो से करेंगे, दो चक्कू 8, फिर हम इसको दो से करेंगे, दो दूनी, वो हमारा दिख नहीं रहा है नीचे का स्टेप, 4 तक ही आपको दिख रहा है, तो हम जो 4 है वो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा दो दूनी, ये जो दो है हमारा, ये हमारा यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से दो हमने बिगाड़ दिया, दो यहाँ पे पहुँच गया, दो दूनी 4 और दो एक कम दो, ठीक है, इतना लंबा है, इसके आगे का ये है, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन जो था वो तो हमारा लग गया। तो अब देखते हैं कितने त्रिक बनते हैं, आइए देखते हैं कितने त्रिक जो हैं वो बने हैं। तो त्रिक जो हमारे बने हैं यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, अब ये वाला और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये इसका
और इसका नौ, नौ त्रिक बने हैं। कितने बने हैं? नौ त्रिक बने हैं। तो दो इसका लेंगे, दो इसका लेंगे, दो इसका लेंगे, और दो इसका लेंगे, 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 ठीक है, और दो इसका लेंगे। तो कितने दो लेने हैं? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये हम नोट कर लेते हैं। क्यूब रूट में एक तीन चार दो एक सात सात दो आठ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे, कितने दो हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ है, एक दो तीन चार, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरीके से ये हमारे होंगे। तब इनकी गुणा क्या आएगी? इनकी जो गुणा आएगी हमारी कितनी आएगी? इनकी जो गुणा आएगी वो हमारी आएगी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौंसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस दूनी दो सौ छप्पन दूनी पाँच सौ बारह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाँच सौ बारह हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? पाँच सौ बारह जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो आज का लग जाएगा। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अब आज का क्वेश्चन क्या है? तीन चार तीन सात दो चार का हमें मान निकालना है, गुणनखंड विधि से इसका मान निकालना है। गुणनखंड में दो का त्रिक कितनी बार बनेगा ये आपको बताना है। दो का त्रिक कितनी बार बनेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। दो का त्रिक कितनी बार बनेगा इसमें, ठीक है। दो किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ दो से मतलब है कि दो का त्रिक कितनी बार बनेगा। अब हमको क्या, आपको क्या करना है? आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। सब्सक्राइब तो कर लेते हैं आप, पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर भी किया करो। आपके कमेंट अच्छे आते हैं, लाइक भी अच्छे आते हैं, वो सब उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद, जिससे मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जरूर जाना, ओके। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी, जोजस स्टडी सर्च करते हैं तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोज़ का, तीसरा है प्ले लिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा एक की कक्षा दो की हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो? एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे तीन और चैनल दिखेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है। बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं,
वो हमारे वीडियोस हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय बाय।